Hello friends, so I have posted a lot of questions in the Telegram channel. You can join our Telegram channel. The link for the Telegram channel is given in the description and the name of the Telegram channel is NCERT RACE 2021 by DCS Learning. तो इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, आप सब लोगों ने सही आंसर दिया, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया. तो आज का क्वेश्चन है, तो सो द क्वेश्चन इज, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट अंडर विच लिस्ट? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, डिस्ट्रिक्ट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. सो लेट मी गिव यू वन हिंट दैट देर आर थ्री लिस्ट, ओके, एंड और द सब्जेक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इन थ्री लिस्ट. वन इज सेंट्रल लिस्ट, अदर इज सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट. तो सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं, सेंटर हैव द रेगुलेशन ऑन दैट, पावर ऑफ रेगुलेशन ऑन दैट. स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट हैव द पावर ऑफ रेगुलेशन, स्टेट हैज द पावर टू रेगुलेट दैम. एंड कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सेंटर एंड स्टेट दोनों का पावर रहता है, बट सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर का जो मानना होगा वो प्रिवेल करता है. तो एजुकेशन कौन से लिस्ट में है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं. इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको एक साथ पाने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में, जो सॉरी हमारे जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो. और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं रेगुलरली और आंसर करते हैं. सो डेफिनेटली ज्वाइन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल.